हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पारस देड़िया है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी डिजीज़ का विशेषज्ञ और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ इन वेस्टर्न सबअर्ब मुंबई। आज ये लेक्चर में हम जानना किडनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। और किडनी के फंक्शंस जो ज़्यादातर लोगों को पता है, जैसे पेशाब के जरिए किडनी में से कचरा निकालना, बट किडनी और भी कहीं काम करती है जिसकी जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं होती है। जैसे किडनी में से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो हमारे हीमोग्लोबिन और जो लाल कण है उसको नॉर्मल रखने में मदद करता है। दूसरा है कि किडनी भी अपना ब्लड प्रेशर भी जो रक्तचाप को भी रेगुलेट करता है, जो अपने को ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में मदद करता है। तीसरा कि जो हड्डियों की जो मजबूती है, जैसे विटामिन D3 का मेटाबॉलिज्म भी किडनी के द्वारा ही होता है। ये चीज़ का काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि जब किडनी का प्रॉब्लम होता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में किडनी का सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे थकान लगना, भूख ना लगना, उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी होना। काफ़ी बार जब रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन या खून की कमी दिखना, जो ज़्यादातर लोगों को जो पता है क्रिएटिनिन जो एक ब्लड टेस्ट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होना, या पहली बार जब हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है तो वो भी एक किडनी डिजीज़ का एक सिम्टम्स या साइंस के बारे में जाना जाता है। तो एक चीज़ ये जानना जरूरी है कि काफ़ी बार मरीज़ को सिम्टम्स नहीं होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर चेकिंग कराना या ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है अगर किडनी डिजीज़ को जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना हो तो। अगला सवाल हमेशा आता है कि किडनी के जो रोग होते हैं या जो किडनी के मरीज़ होते हैं उनमें क्या कारण होता है कि जिस वजह से किडनी की बीमारियां फैलती है या डेवलप होती है। तो जो कॉमन जो दो डिजीज़ इंडिया में है, जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, जिसको मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो 60 से 70% लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के चलते किडनी की बीमारियां होती है। बाकी जो रेयर या जो कम कॉमन कारण है, जैसे कि किडनी स्टोन, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, या जो अनुवांशिक कंडीशन है जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, या ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे ल्यूपस या बाकी जो कंडीशन है उसके चलते भी किडनी की तकलीफ होती है। एक जो कंडीशन जो इंडिया में कॉमन है, जैसे कि पेन किलर्स, जैसे आपने सुना रहेगा कॉम्बीफ्लेम, एंजोफ्लेम, आइबुप्रोफेन, काफ़ी लोगों को सर दर्द या बदन दर्द की शिकायत होती है और उसके चलते काफ़ी बार जो ये पेन किलर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं वो भी किडनी का प्रॉब्लम डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये अपना हमने जैसे ये जाना कि ये सब कारण है जो किडनी का प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। जैसे हमने बात किया डायबिटीज़, तो जैसे आपको डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है तो हर साल आपको किडनी का नंबर जैसे क्रिएटिनिन और शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर हम काफ़ी बार मरीज़ों को सलाह देते हैं कि ब्लड प्रेशर घर पे रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और लिख के रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप काफ़ी बार क्लिनिक में आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, बाकी टेंशन स्ट्रेस के चलते काफ़ी बार ब्लड प्रेशर यहाँ पे जो उनका जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो काफ़ी बार क्लिनिक या हॉस्पिटल में मालूम नहीं पड़ता है, जिसे वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो रेकमेंडेड है एजेंसीज द्वारा, उसका घर पे ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग और उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। बाकी पेन किलर जैसे बात किया कि वो पेन किलर को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। जैसे जब भी आपको किडनी का बीमारी है तो वो जैसे पेन किलर जैसे कॉम्बीफ्लेम, एंजोफ्लेम, ब्रूफेन, वो सब टैबलेट्स डॉक्टर की सलाह बिना नहीं लेना है। किडनी के रोग को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अक्यूट किडनी इंजरी, जैसे किसी को अचानक किडनी स्टोन हुआ या तो किडनी में इन्फेक्शन हुआ तो वो टेम्पररी कम समय के लिए किडनी का नंबर बढ़ता है, और जब भी वो पेशेंट का वो ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे इन्फेक्शन है या स्टोन है, तो वो किडनी का नंबर नॉर्मल हो जाता है। और जो दूसरा किडनी का जो प्रॉब्लम है उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। जैसे अभी कोई डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और उसको सालों साल, 5 साल, 10 साल के बाद किडनी का वीकनेस चालू होता है, तो उसे जो परमानेंट जो डैमेज जो किडनी को कहा जाता है उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD के नाम से जाना जाता है।
सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक। जैसे किडनी का फिल्टरिंग फंक्शन जैसे जैसे कम होते जाता है तो पेशेंट सीकेडी स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5 के स्टेज से गुजरता है। एक बार जब अगर सीकेडी स्टेज 5 आ गया है उसका मतलब किडनी 15% के नीचे काम करती है। जब वो कंडीशन डेवलप होता है तो दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे डायलिसिस जो आपने सुना रहेगा कि जिसमें रक्त शुद्धिकरण का होता है, और दूसरा जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे कोई अगर घर से कोई लिविंग डोनेशन, मतलब कोई घर का सगे वाला जब किडनी डोनेट करते हैं, या किसी का डेथ होने पे जब उनके फैमिली डोनेट करने का डिसाइड करते हैं, जिसे कैडावर किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो किडनी का प्रॉब्लम को अक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज ये दो में डिवाइड किया जाता है। अक्यूट किडनी इंजरी काफ़ी 90% पेशेंट में वो किडनी का फंक्शन रिकवर होता है, कि मतलब किडनी का जो नंबर है वो हो सकता है कि पहले जैसा नॉर्मलाइज हो सकता है, बट क्रॉनिक किडनी डिजीज में वो परमानेंट डैमेज होता है ये चीज़ में। बाद में काफ़ी बार जैसे डायलिसिस के बारे में बात किया, डायलिसिस दो तरह के होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस, जिसमें गले में कैथेटर या नली डाल के एक तरफ से ब्लड मशीन में जाता है, रक्त शुद्धिकरण होके शरीर में वापस दिया जाता है। दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसे पेट का डायलिसिस के बारे में भी जाना जाता है। इस ट्रीटमेंट में एक कैथेटर जो है जो पेट में डाला जाता है, और जो आदमी के जो पेट की जो मेम्ब्रेन है या जो कवरिंग है, जो अपने अतड़ी को जो कवर करते हैं, वो एक फिल्टर के तरह काम करता है। तो इसमें सलाइन के जैसे 2 लीटर एक पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड पेट में डाला जाता है, और 3-4 घंटे के बाद पेशेंट उसे वापस वही नली से बाहर निकालते हैं, जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में जाना जाता है। ये चीज़, थैंक यू।